लोकसभा चुनाव के पांचवें चरण में आज जम्मू कश्मीर की बारामूला लोकसभा सीट पर भी मतदान हो रहा है। मतदान के दौरान किसी भी तरह की अप्रिय घटना से निपटने के लिए मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आज सुबह से ही मतदान केंद्रों के बाहर लोगों की कतारें लगी हैं और लोगों में मतदान के प्रति भारी उत्साह देखा जा रहा है। 17.37 लाख मतदाताओं वाली बारामूला लोकसभा सीट कुपवाड़ा, बारामूला, बांदीपुरा और बडगाम जिले के 18 विधानसभा क्षेत्रों में फैली हुई है और इसमें 22 उम्मीदवार मैदान में हैं। बारामूला लोकसभा सीट पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला, पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सजाद लोन, तिहाड़ जेल में बंद इंजीनियर रशीद सहित 14 आजाद उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें 2 महिलाएं भी शामिल हैं। आज सुबह मतदान शुरू होने से पहले ही कई मतदान केंद्रों पर बड़ी संख्या में लोग वोट डालने के लिए सुबह सुबह कतार में खड़े दिखे। बारामूला लोकसभा सीट पर सुबह 11 बजे तक 21.37% मतदान दर्ज किया गया है। वही मतदान केंद्रों पर लगी कतारें देखने के बाद ऐसा माना जा रहा है कि इस बार बारामूला में मतदान के पिछले रिकॉर्ड टूट सकते हैं। एक्चुअली मेरा नाम अब्दुल गफूर है, मैं आरा गांव गोजरपति बांडीपुरा से हूँ। तो एक्चुअली मेरा फर्स्ट टाइम है, आज मैं फर्स्ट टाइम अपना वोट कास्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं जो एडमिनिस्ट्रेशन उनका थैंकफुल हूँ कि उन्होंने यहाँ पे इतने अच्छे से ये सब कुछ व्यवस्था की हुई है। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ जो भी हमारे यूथ है ताकि वो आए और अपना जो कीमती वोट है वो अपना वोट कास्ट करें ताकि उनका वोट जो है ज़ाया ना हो सके। ये सबसे जो हमें वोट है सबसे मैं पहले यही बताना चाहता हूँ कि वो हमारा बेसिक राइट है। जब तक हम अपना वोट किसी से ही बंदे को चुनाव नहीं करेंगे तब तक हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हमारे जो हमारा इलाका है इसमें डेवलपमेंट होगी। जब तक ना हम अपना वोट कास्ट करेंगे तब तक ये हम एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते। इसलिए हमें अपना वोट कास्ट करना ज़रूरी है ताकि हम जो सही बंदा है उसका चुनाव कर सके और हमारा जो फ्यूचर है वो ब्राइट हो। इसके लिए डेजिग्नेट किया गया है। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वोटर्स जो हैं 942 हैं, जिनमें से 475 जो हैं वो फीमेल्स हैं, बाकी रेस्ट आर मेल्स। अभी तक हमारे टोटल कास्ट हो गए हैं वोट्स 142, जिसमें से 100 मेल्स हैं एंड 42 आर फीमेल्स। एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड कि अभी और वोटिंग चल रही है। ये जो पोलिंग स्टेशन है बेसिकली ये रजिस्टर्ड जो वोटर्स हैं इस पोलिंग स्टेशन के लिए, उसमें मेल्स भी आते हैं फीमेल्स भी आते हैं। तो वोटर्स तो दोनों हैं, लेकिन क्योंकि अगर आप देखेंगे टोटल में जो 942 है उनमें से 475 जो है फीमेल्स हैं एंड मेल्स जो हैं दे नंबर लेस देन देम, इट इज़ समवेयर अराउंड 467 कुछ ऐसे करके वोट्स हैं। तो उस हिसाब से जो हमारा वोटर आउटकम फीमेल्स का है वो इस वाले पोलिंग स्टेशन में ज़्यादा है। दैट इज़ वाई इट हैज़ बीन डेजिग्नेटेड एज द पिंक पोलिंग स्टेशन। ठीक है, अभी आ रहे हैं, अभी बंसेस अभी तो टाइम भी अभी अवेली है तो प्रोसेस चल रहा है। देन वी आर एक्सपेक्टिंग कि काफ़ी अच्छी खासी वोटिंग है। हमने कल से ही वही मैसेज दे रहे हैं कि घरों से निकलें और अपना वोट कास्ट करें। हम लोग यहाँ पे उन्हीं के कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए स्पेशली द वुमेन वोटर्स शुड कम। मुझे बड़ी खुशी हुई है कि आज बांडीपोरा में मुझे लग रहा है कि 80% से ऊपर वोटिंग होगी। यही मोदी जी की देन है। मोदी जी ने एक ट्वीट किया और उस ट्वीट के कम से कम 3 करोड़ से ऊपर लोग जो यहाँ कश्मीर आते और लुत्फ अंदाज हो जाते हैं। और जम्मू कश्मीर पुलिस एशिया की नंबर 1 पुलिस है, जो चाहे कोरोना काल हो, चाहे रगड़ो रगड़ो हो, चाहे कोई भी परेशानी है, जम्मू कश्मीर पुलिस, सेंट्रल रिजर्व पुलिस, रेगुलर आर्मी, इनका हम बहुत आभारी है। ये 24 घंटे खड़ा रहते हैं हमारे लिए। और खासकर डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस आर सुवेन, उसने नया परिवर्तन लाया है कश्मीर घाटी के अंदर। ये जो अली बाबा 40 चोर थे, इनके दुकानें बंद हो गए हैं। जो ये अली बाबा 40 चोर है, चाहे NC हो, PDP हो, कांग्रेस हो, इन्होंने शासन किया है कश्मीर घाटी में। अपनी बात को ही रखनी है, जैसे जम्मू कश्मीर के अपने कुछ मसाइल हैं, हमें देखना है इस टाइम कि हमारा वोट उस बंदे को जाए जो हमारे जम्मू कश्मीर की बात कर सके, जो डेवलपमेंट की बात कर सके। मतलब अपनी ताकत का भरपूर इस्तेमाल करना है, घर नहीं बैठना है, वोट कास्ट करना है, क्योंकि वोट ही एक ऐसी ताकत है जिससे अपने चुने नुमाइंदे को हम आगे भेज सकते हैं। पहली बार देखा जाए सुपौल के अंदर आज काफ़ी ज़्यादा भीड़ देखने को मिल रही है, युवा, खासकर युवाओं की बात करें तो युवा सामने आ रहे हैं। तो क्या आप ये हम ये देखिए फ्रॉम लास्ट 2 ईयर्स जब से मतलब पॉलिटिक्स में आया हूँ तब से मैंने कहा हुआ है कि यहाँ के यूथ को बाहर निकलना चाहिए, बिकॉज यूथ इज़ द बैकबोन ऑफ नेशन। यूथ ही एक ऐसी चीज़ होती है जो कोई भी बदलाव ला सकती है। तो इस टाइम भी मैं कह रहा हूँ चाहे यूथ है अपने वोट का भरपूर इस्तेमाल करें। तो मैं फैसल अली डार पदमशी वाड़ी, मैं बहुत ही खुश हूँ, मैंने अपना वोट कास्ट किया
ये मेरा वोट मेरा राइट था, मेरा प्राइड है। और मैं पूरे स्पेशली पूरे यूथ से गुजारिश करना चाहूँगा कि आइए बढ़ चढ़ के वोटिंग कीजिए और अपने देश के साथ आगे बढ़िए, क्योंकि जो इसे की गाइडलाइन से हर एक अगर फैसिलिटी की एंगल से देखा जाए, हमारा डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर की काविशों की वजह से और पूरी सीट की टीम जो लगी थी पिछले एक दो महीने से, हम लोगों ने बहुत ही अच्छी मेहनत की है। और आप लोग आइए अपना वोट का वोट कास्ट कीजिए और जो आपका राइट बनता है, जो आपका हक है, जिसे हम अपने सही नुमाने को चुन सकते हैं और हमारा जो हक बनता है डेवलपमेंट के साथ साथ हम अपने साथ अपने देश को आगे ले जा सकते हैं।